नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्द माइंड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के शो बुलबुल का। बुलबुल की कहानी की पृष्ठभूमि में सदी के अंत का बंगाली समाज और उस दौर की बुराइयां हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे कई महान समाज सुधारकों ने सालों आंदोलन चलाए थे। मसलन बाल विवाह, पुरुषवादी सोच और इसकी वजह से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और उन अत्याचारों को अपनी किस्मत मान लेने की स्त्री की मजबूरी, बुलबुल इन सभी सामाजिक बुराइयों से जूझती एक लड़की के अंदर फूटे गुस्से की परिणति है। और जहां तक स्टार कास्ट की बात कर लें, इस सीरीज के डायरेक्टर है अमितिका दत्त, प्रोड्यूसर है अनुष्का शर्मा और इसमें कलाकार हैं तृप्ति दत्त, राहुल बोस, सुनी तिवारी और पावली राय। बुलबुल का बाल विवाह एक जमींदार घराने में अपने से कई साल बड़े इंद्रनील से होता है। इंद्रनील का छोटा भाई सत्या बुलबुल का लगभग हम उम्र है। उसी के साथ खेलते हुए वो बड़ी होती है। बचपन की चंचलता और लगाव जवानी में आकर्षण में बदल जाता है। बुलबुल मन ही मन सत्या को चाहने लगती है। इंद्रनील को अपने जुड़वा भाई अश्वर्धन की पत्नी मंदोदनी से इसका आभास होता है। इसके बाद इंद्रनील अपने छोटे भाई सत्या को पढ़ने के लिए लंदन भेज देता है, जिससे कि बुलबुल काफ़ी उदास हो जाती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है। एक रात इंद्रनील नशे की हालत में बुलबुल की छड़ी से पिटाई कर देता है, जिससे बुलबुल के पैर टूट जाते हैं। उसके बाद गांव के एक डॉक्टर, जिसे कि इस सब के बारे में पता चलता है, उसे बुलबुल से लगाव हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद इंद्रनील भी घर छोड़कर चला जाता है और उसी बीच उसके भाई महेंद्र की हत्या हो जाती है, जिसे गांव वाले कहते हैं कि इसे उसी चुड़ैल ने मारा है। और 5 साल बाद जब सत्या वापस आता है तो बुलबुल के व्यवहार में काफ़ी उसे परिवर्तन दिखता है। वो पहले की तरह नटखट नहीं रही और वो काफ़ी शांत हो गई और काफ़ी अजीब व्यवहार करती है, जिसे देखकर सत्या को बुलबुल पे शक होता है और वो इस चुड़ैल वाली पहेली को भी सुलझाने में लग जाता है। और आगे क्या सत्या उस चुड़ैल को ढूंढ पाता है या किसने मर्डर किया है, किसने खून खराबा किया है गांव में पता लगा पाता है या नहीं, यह इस सीरीज में दिखाया गया है। और इससे आगे आपको बाकी जाके देखना पड़ेगा नेटफ्लिक्स पे बुलबुल। जहाँ तक कि कहानी की बात करें, कहानी काफ़ी अच्छी है, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। सभी कलाकारों की एक्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा उम्दा है। कहीं कहीं फिल्में लूपहोल है सीरीज में, जैसे कि कभी भी मतलब डरावना सीन होता था वहाँ पे ये रेड लाइट इफेक्ट डाल दिया जाता था, जिससे कि मतलब वो डालने की ज़रूरत नहीं थी। उससे सीन कभी कभी मतलब विजुअलाइजेशन सही से उसमें नहीं पता चलता है। उसके बाद जो चुड़ैल वाला सीन है, उसमें पैर जो उल्टे हैं चुड़ैल के, वो पैर सिर्फ नीचे का मुड़ना चाहिए था लेकिन पूरा पैर दिखा उल्टा दिखाई पड़ता है। ये थोड़ा मुझे लूपहोल लगा। बाकी सारा सीरीज जो है काफ़ी अच्छा है और आप सभी को देखने में मज़ा आएगा। तो आपको इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।